एक एंट्री तो हम कर चुके थे, एक इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू सरेंडर द कंपनी। मैं दोबारा कर देता हूं, उसको मिटा के दोबारा समझ लेते हैं। इसलिए मैंने बोला था ये सवाल में थोड़ा सा देखिए, कहता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर 5 साल के लिए, कोई बात नहीं, कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया, भाई रिकंस्ट्रक्शन कर लो तुम। कहता है इक्विटी शेयर कन्वर्ट इतने का करना है, तो भैया कन्वर्ट करना है ना इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर हम कैपिटल लिख देंगे कौन से वाला, ओल्ड वाला, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे कौन से वाला, न्यू वाला। पहले भी भाई साहब 7.5 लाख का रहेगा और अब भी 7.5 लाख का रहेगा, फर्क ये हो जाएगा, पहले हमारा था 75,000 का, अब कितने का हो गया है 1.5 लाख का, अब कितने का हो गया है, न्यू वाले नंबर जो होंगे वो होंगे 1.5 लाख और ये 5 रुपए का हो चुका है, और पुराने वाले नंबर कितने थे 75,000 और ये 10 रुपए का हुआ करता था, बस ये चेंजेस हुआ, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात है। पहली एंट्री में देखिए, कहता है हमारा इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर दो, बस कन्वर्ट कर दो उसे, तो पहले कितने का 7.5 का था, कन्वर्ट करके मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो अब भी 7.5 का हो रहा, तो फायदा हुआ ही नहीं। अगली लाइन में कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर एग्री सरेंडर 80% होल्डिंग, ओके अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। कहता है इक्विटी शेयर होल्डर 80% शेयर को सरेंडर करने को तैयार हो गया, तो भैया फिर से न्यू वाले इक्विटी शेयर को ले लेते हैं, न्यू इक्विटी शेयर खत्म करो और टू सरेंडर शेयर 80% किसका, इसका बताओ 80% क्या होता है, 1,20,000। एक लाख 20,000 कह रहे हो इंटू में 5 है ना, तो 6 लाख। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत मैंने क्या किया है, आ रहा है समझ में, बताइए। और आपकी किताब का सबसे आसान चैप्टर है ये। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री फॉरगो देयर राइट अनपेड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर बोलता है भैया मैं नहीं लूंगा अपने डिविडेंड, दे ऑल्सो एग्री टू रिड्यूस द ईच प्रेफरेंस शेयर 10 to 80। बोलता भैया ना तो मैं डिविडेंड ले रहा हूँ, तो डिविडेंड नहीं दे रहा हूँ तो पहले भी नहीं दे रहा था मैं तेरे को, अब तूने कहा कि भाई 100 वाले को 80 कर दें, ये मेरे लिए काम की चीज़ है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट था कितने का भैया, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का, और टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है 80% यानी 4 लाख का, और टू रिकंस्ट्रक्शन। बताइए आगे, क्रेडिटर एग्री रिड्यूस देयर क्लेम 2/5 ऑफ कंसिडरेशन गेटिंग द शेयर 90,000 आउट ऑफ सरेंडर शेयर। क्रेडिटर कहता है कि भैया मैं अपना 2/5 छोड़ने को तैयार हूं। क्रेडिटर था कितने का चेक कर लेते हैं, क्रेडिटर 7.5 का था, ये कहता है कि भाई मैं अपना 2/5 पार्ट। क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 2/5 इन कंसिडरेशन, लेकिन 2/5 मैं छोड़ूंगा, बदले में मैं लूंगा भी, गेटिंग 90,000 शेयर सरेंडर शेयर, तो 2/5 कितना होता है इसका। बोलता है भैया मैं 3 लाख रुपए के अपने क्रेडिटर राइट को छोड़ने जा रहा हूं, तू बस मुझे एक काम कर यार, 90,000 क्या दे दे मुझे, 90,000 रुपए हैं ये शेयर ऑफ 90,000 आउट ऑफ सरेंडर इक्विटी। हमारे पास सरेंडर में कितना पड़ा हुआ है, 6 लाख, नंबर कितने पड़े हुए हैं, 120, 90 × 5। अब ये कंफ्यूजन है कि नंबर गेटिंग कहता है कि शेयर ऑफ 90,000, ठीक है, कहता है भाई मेरे को एक काम कर, 90,000 शेयर दे दे, जो 5 रुपए वाले हैं ना तेरे पास, 5 वाले ही है ना, 5 वाले हैं तो 9×5 = 45, 4.5 लाख का मुझे क्या कर, शेयर दे दे, बात खत्म कर कहानी, और बाकी दूसरा वाला पार्ट है ना वो एज इट इज है, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना तुम्हें। अब मुझे बता दो यहां कितने का फायदा कितने का नुकसान, बाकी 4.50 होगा, बताओ
क्रेडिटर बोलता है मैं 2/5 हिस्सा छोड़ दूंगा, लेकिन तभी मैं छोड़ूंगा तू मुझे 90,000 शेयर दे दे। हो गया डन, बाकी 4/50 की बात मत कर, वो एज इट इज रहेगा रहेगा ही रहेगा। बताइए यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई साहब 3 लाख रुपए अपने छोड़ने के बदले 4.5 लाख का शेयर ले जा रहा है वो। यहां पे सर सबसे पहले तो क्रेडिटर, सर कितने क्रेडिटर राइट ऑफ हो रहे हैं और बदले में हम इसे अपने जेब से कुछ नहीं दे रहे, तो पूरा फायदा। अब भाई तेरे को शेयर दे देते हैं हम, तो पहले सरेंडर शेयर को निकाल ले। चार पचास का सरेंडर शेयर निकाल लिया, अब दे देते हैं तेरे को ले। सबका बींग वैसे ही लिखना है, शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर इशू। एक बच्चे ने कहा दूसरा एंट्री बता दो सर। सर प्रेफरेंस शेयर जो था ना पहले था हमारा, कितने प्रेफरेंस शेयर? और 100 का था, अब बोला 5,000 को आप 80 का कर दो। और भाई बाकी के जो बच गए डिफरेंस वो क्या हो गया हमारा? अगले एंट्री पे चले। कहता है अनसिक्योर्ड लोन कन्वर्ट इनटू 75,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ द सरेंडर शेयर रिमेनिंग लोन वेव ऑफ। कितने शेयर ले रहे हैं? 75,000। इतने शेयर है भी हमारे पास? हाँ 30,000 बचे ना, मेरे को वही लग रहा है कहीं ना कहीं अमाउंट में मिसिंग हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ। ये रख, किताब में से तो लिया था क्वेश्चन, आया नहीं। कैसे टाइप करना है भाई? भाई ये अमाउंट है, गलती है टाइपिंग में, मैंने इतना कुछ कहानी सुना दिया इसके पीछे, बताओ। नब्बे हजार अमाउंट यहाँ अमाउंट कर देते हैं बस, ठीक है? यानी वो अमाउंट था और हमारा 2/10 का वैसे फायदा और ये भी फायदा, टोटल 3 का फायदा होगा, समझ तो गए होगे। आगे कहता है कि भाई अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन ये रहा 1,25,000। कहता है अनसिक्योर्ड लोन 1,25 तेरे को कन्वर्ट कर रहे हैं 75,000 इक्विटी में, ये भी रुपीस ही होगा 75,000, देखना ये भी रुपीस है तेरे को 75,000। हाँ 75,000 रुपये का तुझे इक्विटी शेयर दे रहे हैं आउट ऑफ सरेंडर शेयर, और बाकी के तू भूल जा। यानी लोन वाले को, मेरे को जो लोन वाले को पेमेंट करना था वो करना था 1,25,000, लेकिन देखा जाए तो मैं इसे 75,000 रुपये का शेयर तो दे रहा हूं और बाकी का जो इसका 50,000 है मैंने मना ही कर दिया, और इस 75,000 के बदले भी मैं कौन सा शेयर दे रहा हूं? सरेंडर वाला। तो बताओ फायदा पूरे 1,25,000 का? तो अनसिक्योर्ड लोन, लोन अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 1,25,000। आज मेरे को टाइम पता नहीं क्यों कम लग रहा है, बहुत ज्यादा ना, एक सवाल और पेंडिंग है अभी भी। इसके बाद अगली एंट्री में सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर टू रिकंस्ट्रक्शन, इक्विटी शेयर कितने? कहता है सरेंडर शेयर नॉट यूटिलाइज कैंसिल कर दो। भाई साहब जो सरेंडर शेयर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए कैंसिल कर दो। तो हमने सरेंडर शेयर 90 और 75, 90,000 और 75,000 रुपए की बात कर लेते हैं हम, तो 90,000 और 75,000 हो गए हमारे, 1,65,000 यूज कर चुके हैं 6 लाख में से, टोटल 6 लाख का था,
1.65 बोल रहा, बाकी अभी यूज ही नहीं हो रहा भाई, इसको कैंसिल करो, अब फायदा हो जाएगा। तो जो बाकी यूज नहीं हो पाया उसको कैंसिल करते हैं, तो हम करेंगे सरेंडर शेयर, शेयर अकाउंट डेबिट टू, टू क्या, रिकंस्ट्रक्शन 4 लाख। बताइए कोई डाउट, क्लियर। आगे एसेट्स आर टू बी रिड्यूस एज अंडर, एसेट्स को बोला गया खत्म कर दो, कम कर दो एज अंडर, मतलब ये रहा, गुडविल को 75 से कम करो, प्लांट को 1 लाख से कम करो, इक्विपमेंट को 20,000 से कम करो, बुक डेट्स को यानी डेटर को 40 से कम करो, इन्वेंट्री को 5 से कम करो, ऑल इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स इसको 0 कर दो, एनी सरप्लस लेफ्ट शुड बी यूटिलाइज राइटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर फर्दर। ये वाली लाइन जो है ना एक अलग लाइन बोल दी इस सवाल के अंदर। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पता है भैया कि कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या करना है। फर्दर ₹10,000 शेयर इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल के लिए हमने क्या करा, और शेयर इशू कर दिया हमने वर्किंग कैपिटल के लिए, तो इसके लिए हमें बैंक में पैसा मिल जाएगा फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब। पहले हम हैं यहाँ पे, पहले गुडविल को कम करते हैं, सबको कम कर देते हैं एक करके, ठीक है। तो एंट्री कहाँ करें सर, बहुत बड़ी एंट्री हो जाएगी, चलिए मैं करता हूँ रिकंस्ट्रक्शन, थोड़ा स्मॉल लिख दूंगा। क्या क्या कम करना है, टू पहले गुडविल, टू प्लांट, प्लांट है यार, प्लांट और इक्विपमेंट दो चीजें क्या इसमें, नहीं इसमें, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, नहीं नहीं प्लांट एंड मशीनरी, चलो प्लांट, प्लांट के बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के बाद बुक डेट यानी डेटर, डेटर के बाद इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इन्वेंट्री तक हो गया, एंड ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, तो चेक कर लीजिए इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, और सारे गुडविल हो गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख है, और एक पेटेंट है 1.25। तो प्रॉफिट एंड लॉस और 2 पेटेंट, चलिए सर अमाउंट फटाफट से लिख दीजिए, गुडविल का 1 लाख, टोटल कर लीजिए, एक 25.2 लाख, 9 लाख, 9 लाख, चलिए हो गया समझ में आया। आगे कहता है एनी सरप्लस लेफ्ट टू यूटिलाइज रिटर्न ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्दर, कहता है अगर कोई सरप्लस मिला तो और प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दो, चलिए समझेंगे क्या कह रहा है बाद में। रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा है, क्या एंट्री होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, सर कितने रुपए का, कहता है और शेयर वर्किंग कैपिटल के लिए इशू, कहते हो कहता है फर्दर 1 लाख इक्विटी शेयर, अब भैया रुपीज है या रुपए, एक बताओ जल्दी देखते, 1 लाख फर्दर, रुपीज 1 लाख, यहाँ रुपीज है नहीं है, अरे क्या कर रहे हो, कहता है फर्दर 1 लाख शेयर वर इशूड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड,
मैंने पुराने शेयर होल्डर को बुलाया, मैंने बोला भाई आ जा तेरे को और शेयर हम इशू कर देते हैं, तो भैया उसने बोला ठीक है, बाकी पैसे भी दे दिए, तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे 1 लाख शेयर। और शेयर था कितने का सर, याद करो, शेयर को मैंने रिड्यूस कर करके कर करके कहां तक लेके आ गया था, नहीं याद? ₹5 ना, ₹5 का था। तो ये हो गया 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चे बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कर रहे हो, चलेगा इतनी एंट्री के बाद डायरेक्ट, वैसे होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि वन एंट्री किया जा सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप दो चाहो तो इसको दो कर लेना, समझ में आ रहा है मैं किस दो की बात कर रहा हूँ? ठीक है, आगे आइए सर, सब कुछ तो हो गया लेकिन एक लाइन समझ में नहीं आ गया, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री और प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा एक पॉइंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लिया है इसमें, लिया नहीं मैंने। हाँ 12,000 कोई बात नहीं, ले लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रह गया लेना 12,500, तो कोई बात नहीं, वो तो यहाँ लेना है, यहाँ तो मेरे पास है जगह है। ₹12,500 इसमें जोड़ दो, अब देखो रिकंस्ट्रक्शन में फायदा सारा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सरेंडर वाला जो हमने किया था उससे कितने का फायदा पहुंचा था, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा 4 लाख बाय। और कहाँ से फायदा पहुंचा था सर, लोन, लोन से कितने का, एक। और कहाँ से फायदा पहुंचा था सर, और था लोन के आया क्रेडिटर, कितने का, क्रेडिटर से कितना पहुंचा था, 3 लाख। और कहाँ से फायदा पहुंचा था सर, किससे, प्रेफरेंस शेयर से फायदा था, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का ना, 1 लाख। नुकसान का तो लाइन है गुडविल टू प्लांट टू इक्विपमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू डेटर और टू स्टॉक और टू पेटेंट। सर गुडविल 75, प्लांट इक्विपमेंट डेटर सर इन्वेंट्री सर P&L, अरे ओहो यहाँ से गड़बड़ हो गया है, 5 लाख प्रिलिमिनरी डेटर स्टॉक पेटेंट 1,75। अब जब आप यहां पे टोटल करेंगे तो दो जगह बैलेंस निकल सकता है, हो सकता है इस साइड निकले, हो सकता है इस साइड निकले, चलिए देखते हैं किस साइड निकलता है। पॉइंट 8 रिपीट कर दो,
एट तो अभी करेंगे ना, अभी करा नहीं है एट। सर 960, इधर का टोटल 960 क्या रहा, 27,500। और इधर का टोटल अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो इधर का टोटल ज्यादा आ गया और जितने भी सवाल आपने किए थे सभी के अंदर इधर का टोटल ज्यादा था, इधर कैपिटल रिजर्व निकल रहा था, लेकिन यहां हुआ क्या, इधर का टोटल ज्यादा आ गया। तो सवाल कहता है कि अगर आपका गलती से इधर का टोटल ज्यादा आ रहा हो, कहता है एनी सरप्लस लेफ्ट शुड यूटिलाइज रिटर्न डाउन प्लांट एंड मशीनरी फर्दर। अगर आपको जरूरत लगे तो आप एडजस्टमेंट करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हो सरप्लस के तौर पे। तो अब हमारा इधर का टोटल कितना है, यानी यहां पे तो इसने कह दिया कि प्लांट हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख से, लेकिन भैया इसी 1 लाख की वजह से हमारा सारा गड़बड़ हो गया खेल। तो अब हम यहां पे दो तरीके हैं, मैं यहां पे प्लांट बाय साइड में क्रेडिट करके दोबारा बढ़ा दूं बाय प्लांट, और सर कितने से डिफरेंस आ रहा है, 27,500 से 97। यानी इसके अंदर अगर इधर बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है तो चिंता का विषय नहीं है, अगर इधर बैलेंस शीट मिल रहा है तो उसको प्लांट से मैच करिए, ये कहने का मतलब है इसका। अब इसकी जनरल एंट्री एक करनी पड़ेगी आपको, आपको प्लांट को 27,500 से अब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट का मतलब बढ़ रहा है रिकंस्ट्रक्शन। एक एंट्री और कर देंगे हम, गलत आ रहा है, किसना आ रहा है, इधर तो यही है 97,2500 और 960 उसका टोटल था। साठ और 72 का डिफरेंस कितना होता है, तो किसने बताया ये 12,500 है भाई, आप सब कैलकुलेटर छोड़ दो, बारह पांच सौ कॉन्सेप्ट समझना है मेनली। ये रहा आपके सामने सवाल।